हेलो, सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हो? आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अरे देखो कितनी अच्छी हूँ मैं, सुंदर सुंदर। अरे ये सूरज ने मंगा दिया तो उनका पहन ही लेती हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि बुढ़ी हूँ, इतनी बुढ़ी हो गई है और ऐसे पहन रखा है बच्चों वाला। अब बच्चे कोई चीज़ मंगा देते हैं तो उसका मतलब सम्मान करना चाहिए। आज हम बोलेंगे नहीं 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 पहनने, कल को हम बोलेंगे नहीं हमको नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारी गलती होगी उनकी नहीं, है ना। तो वो लाया है तो मैंने कहा थोड़ा पहन लेती हूँ, घर के अंदर क्या हो गया है ना। कोई बात नहीं, हम भी बच्चे बन जाते हैं, बुढ़े हैं तो क्या हुआ, बच्चे बन जाते हैं बच्चों के साथ। बच्चे मंगा लेते हैं, उनका मन भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, नहीं पहनना, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने ये पहन लिया है, पहनती हूँ मैं थोड़ा घर के अंदर, कल मैं बाहर भी ले जाती हूँ। मैंने कहा चल रहने दे यार, बाहर नहीं लेके जाती। तो चलो फिर, आप लोग कैसे हो? चाय, एक बार मैंने चाय पी ली तो मैंने आप लोगों को उस टाइम पे गुड मॉर्निंग नहीं कहा, क्योंकि तो मैंने सोचा कहाँ उठाऊँ आप लोगों को उस टाइम पे, है ना। ठीक है, मैंने चुपचाप सुड़क 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 करके एक गिलास चाय पी ली और किसी को भी नहीं उठाया चुपचाप से। अब बनाती हूँ सब लोगों के लिए चाय। जोशी जी भी उठ गए, आकाश सूरज भी घूम के आ गया, आकाश भी को भी उठाती हूँ, वो भी जाएगा दूर। तो बनाते हैं नाश्ता। तो आज नाश्ते में बनाऊँगी मैं मैक्रोनी। तो चलो मिलते हैं फिर मैक्रोनी में। और ये है दादी की केतली, मैं ले आई नीचे। वो कह रही है कि नीचे ही ले जा लें इसको, मेरे से नहीं हो रहा है यहाँ गरम। तो मैंने कहा चलो मैं नीचे ले जाती हूँ। तो ये क्या है, मैं लगाते हैं ना, ये है केतली। ये कैसे खुलता है, कुछ कह रहा था मुझसे। अच्छा तो ये है, मतलब इसमें ये इसे दबाने से ना, ये दबाने से बंद होता है सिर्फ ऐसे। पूछ के आ रहा है ना कि अगले महीने के भी तेरे अलग-अलग दे सकते हैं या एक साथ देना जरूरी है? अच्छा अच्छा हाँ पूछ लेना। तो ऐसे लगाया और ये प्लग को इसमें लगाया। तो मेरे पास वैसे थी नहीं है, तो मैंने सोचा अभी कभी ऐसा होता है ना कि रात को उनको प्यास लगती है पानी की, तो कभी नहीं होता, बोतल में ख़त्म हो चुका होता। तो मैंने कहा केतली ठीक है दादी के लिए, कुछ ना कुछ जब तू ला ही रहा है तो ले आया था। लेकिन वो कह रही है कि मेरे बस का नहीं है लगाना। तो मैंने कहा चलो फिर मैं नीचे ही ले जाती हूँ, क्या करूँ फिर। तो ये है दादी के लिए लाया था वो केतली, तो अच्छी है। देखो ढक्कन इसमें जॉइंट है ना, ये अच्छा है थोड़ा इस तरह का। चलो फिर, दादी भी खुश, सबके लिए ले ही आया है फिलहाल। बच्चा सबके लिए कुछ ना कुछ लाता है तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चाहे उसने पूरे ही पैसे ख़त्म कर दिए, लेकिन ये है कि सबके लिए सोचा तो सही, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये मैक्रोनी उबल गई है, ये देखो। तो इसमें ढक्कन लगा देते हैं हम ऐसे। और मैंने ये सब कुछ काट लिया है, देखो क्या क्या है इसमें। ये बंद गोभी है, प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, धनिया है, मटर है और बीच में एक टमाटर है। इतना सारा डालूंगी मैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं सब्जी तो नहीं बना रही है, इतना सारा डाल रही है इसमें। तो देखते हैं फिर, मज़ा आ जाएगा खा के। आप लोग भी आना खाने के लिए। और हम बनाएंगे काली कढ़ाई में, तो इसमें बनाऊंगी। और हम डालेंगे तेल इसमें। मेरी उसने दुरानी ने पिज्ज़ा बनाया था ना, कढ़ाई पिज्ज़ा, तो ये और जल गई। और ये थोड़ा सा मैंने नींबू से साफ़ कर रही थी पर इतना हुई नहीं। तो आप लोग बताना कि लोहे की कढ़ाई कैसे साफ़ करूँ मैं अच्छे से। ये जल्दी पतली है ना तो जल्दी जल जाती है ये। तो ये डालेंगे पहले प्याज, आप लोग कैसे बनाते हो बताना मुझे। तो मैं प्याज के साथ साथ थोड़ा सा मटर भी डाल देती हूँ, क्योंकि मटर पकने में थोड़ा टाइम लगता है। मटर मुझे अच्छे लगते हैं हर चीज़ में, जैसे मिक्स सब्जी बनाओ तो उसमें मटर डालो, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे तो। अरे दानो आ जाओ, छुपो मत, पकना है तुमको। ये डाल दिए मैंने मटर, अब इनको थोड़ी देर पका लेते हैं, एक दो मिनट।
डाल देती हूँ मैं थोड़ा गाजर, शिमला मिर्च, कहाँ कपड़े अभी धोते हैं, थोड़ा सा मैं नाश्ता बना दूँ। रख देते हैं, थोड़ी देर पक जाएगी सब्जियां, फिर डाल देंगे। इसको पकते पकते हो गए हैं 2 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, तो पकी रही होंगी सब्जियां। थोड़ा सा टमाटर, अब इसमें डाल देती हूँ मैं मसाले। तो आप लोगों को थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं है, तो ये जो है हमारी चिमनी भी नहीं चल रही है। नमक तो स्वाद अनुसार डाल देना, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने मिर्ची डाल दी है, थोड़ी देर डाल दी मिर्ची ज़्यादा ही डल गई, थोड़ा सा ये डाल दिया हल्दी, ये तो डाल दी मैंने मसाले। अब इनको थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे भी सब्जी बहुत अच्छी बन रही है। चलो फिर अब डाल देते हैं थोड़ा सा बंद गोभी। मैं सोच रही हूँ थोड़ी ही डालती हूँ, बहुत सब्जी सब्जी की हो रही है, तो देखते हैं अभी। तो बंद गोभी को मैं ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, ये है मैक्रोनी, अभी डाल देंगे इसमें। हमारा सूरज जो है वो वाइट वाली खाता है, वो ऐसे नहीं खाता है, वाइट पास्ता बनता है ना जी। ये बन गई है मैक्रोनी और ये चाय हमारी। चलो फिर आप लोग भी करो नाश्ता, हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर करते हैं और काम। कुछ काम नहीं हो रखा है आज, कपड़े उपड़े धोएंगे छत में आज बहुत सारे, तो आप लोग भी बनाना ऐसी मैक्रोनी। और अब बन रहा है दोपहर का खाना, मैं बना रही हूँ अभी दाल चावल और गोभी की सब्जी। तो अभी गोभी तो काट रखी है और दाल बन गई है और चावल बन रहे हैं, और अभी मैं सब्जी चढ़ा रही हूँ थोड़ा। तो ये हो गई हमारी गोभी की चावल और गोभी की सब्जी, बहुत बढ़िया लगती है हम लोगों को। देखो छत में आ गई मैं, कितने कपड़े धो रखे हैं आज, पूरी छत भर रखी है, थक गई मैं छत में आते आते। ये देखो पूरी छत में कपड़े ही कपड़े हैं हमारे आज। ये कंबल, ये मशीन यहीं रखी हुई है, पूरी छत आज कपड़ों ने भर रखी है, बहुत सारे कपड़े धोए आज हमने, तो थकान तो हो ही जाती है। तो आज ये बोतल थी मेरे पास पड़ी हुई, तो जो है मेरे पास पन्नियाँ ना रखी रहती हैं, वैसे तो मैंने इसमें रखी है अपनी पन्नियाँ बोतल में, ये देखो ऐसे बना के। तो आप लोग कैसे रखते हो अपनी पन्नियाँ, तो मैं ऐसे रखती हूँ, ये बना रखा मैंने, लेकिन इसका जो है ना छेद ये फट गई, यहाँ था ख़राब हो गया, तो ये बोतल है मैंने इसका बनाती हूँ मैं, तो मैंने पहले भी बना रखा है। देखो ऐसे निकालते हैं इनको पन्नियों को, एक एक करके ऐसे निकाल दो, तो ये आसान होता है थोड़ा। तो अब मैं इसको बनाती हूँ, कैसे बनाते हैं बताती हूँ। तो ये बोतल है, तो अब मैं जला दूंगी गैस, ये चाकू इसे गरम करके इसका मुँह काट देंगे थोड़ा सा। तो इसको काट देंगे, तो ज़्यादा बड़ा मुँह नहीं काटेंगे, बस तो थोड़ा सा ही काटेंगे गरम करके। कैंची से भी कट जाएगा, कट हो जाता है कैंची से भी, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन ऐसे ही काट देती हूँ मैं।
तो बहुत बड़ा हम नहीं काटेंगे, थोड़ा सा ही काटेंगे। ये देखो इतना काट दिया मैंने ये, अब इधर से काटेंगे इसको। रुक जा। तो ये ऐसे काट दी मैंने और ये इधर से ऐसे काट दिया। यहाँ से तो हम बोतल लगाएंगे, अब इसमें हम कर देंगे छेद, तो थोड़ा सा हम नीचे को करना ताकि ये हम अगर वजन भी आए तो ये फटे ना, क्योंकि ये बोतल मुझे थोड़ा हल्की लग रही है ना, जल्दी फट ना जाए। तो यहाँ पे लगा देंगे, कील में टांग देंगे इसको ऐसे, तो ऐसे करके ये हो जाएगा। तो ये जो मेरी बोतल है देखो ऐसे डाल दी मैंने और यहाँ से बोतलें निकाल देती। देखो इतनी बोतलें पन्नी और रखेंगे, देखो ऐसे करके डाल देंगे, मतलब एक पन्नी ऐसे डाल देंगे, ये देखो ऐसे करके ऐसे। तो ऐसे डाल दिया हमने, तो इसको थोड़ा सा फिनिशिंग में कर देती हूँ मैं चाकू से गर्म करके। ये थोड़ा लग रहे हैं ना हाथ में, तो इनको फिनिशिंग में कर देना आप। अब आपको जब भी पन्नी चाहिए होगा तो ऐसे करके निकाल लो, जैसे एक पन्नी आ गई, दो आ गई, ऐसे। तो एक जो है मतलब पता भी रहता है, बच्चे कई बार पन्नी मांगते हैं, उनसे बोलते हैं पन्नी वहाँ रखी है वहाँ रखी है, तो मतलब वो ढूंढते ही रह जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा फिनिशिंग में कर देती हूँ, जरा सा गर्म करके चाकू। तो ये बना दी मैंने बोतल, ये देखो यहाँ से काट दिया, यहाँ से लगा दी। अब इसमें जो ये छेद है तो मैंने यहाँ पे ये कील लगा रखी है, तो पहले की भी मेरी यहीं पे रहती थी बोतल, तो मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे मैंने टांग दी है। तो मतलब बच्चों को भी पता रहता है कि कहाँ पे मतलब ये रखी हुई है, ये आरों का वह है सोचे। तो बस जब भी पाओ मतलब हमको पन्नी चाहिए होती है या बच्चों को बताना होता है तो बोल देते हैं नलके के पास टंग रही है, तो ये है, तो ऐसे निकाली। जब भी हमें भी चाहिए होगा तो ऐसे निकाल दिए, एक एक करके निकाल दी, फिर इनको ऊपर से डाल दिया। तो इस तरह से मतलब पन्नी थोड़ा सा सही हो जाती है, ये थोड़ा इसका फट गया था नहीं सॉरी। तो इस तरह से मतलब आप लोग भी बना सकते हैं बोतल का, तो बहुत बढ़िया यूज हो जाता है बोतल का। तो आपको कैसा लगा तो बताना, नई नई चीज़ सिखाती रहती हूँ ना मैं आप लोग, थोड़ा सा कर लिया करो कुछ काम आप लोग भी मजाक कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मतलब बीच बीच में मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो हो जाता है टाइम मिल जाए जैसे ही। तो बोतल काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं, ये रखी थी थोड़ा, तो कैसी लगी ये बोतल आप बताना मुझे। तो चलो फिर करते हैं बाय बाय, और गुड नाइट हो ही गई है, शाम हो गई है, तो चलो गुड नाइट बाय। सूरज झांक रहा था, अभी पड़ रहा है सूरज, तो चलो करते हैं बाय बाय, ओके गुड नाइट।